Hey guys, welcome back to the channel. This is Vilavar Sahil. I hope you guys doing absolutely fine. So guys, आज का plan हुआ है कि servicing center जाऊँ and bike को wash करवाऊँ, क्योंकि कर्शियंग से आने के बाद bike पूरी गंदी हो चुकी है and next ride के पहले मुझे bike clean चाहिए. And मम्मी ने कुछ सामान लेने के लिए मुझे market में भी जाने को बोला है. So दोनों काम एक साथ करेंगे. उसके पहले मैं थोड़ा तैयार होके लेता हूँ and breakfast भी करना है. तो दोनों काम फटफट करके निकलते हैं. तो फिर चलो चलते हैं. मछलियाँ कैसी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? हालत देख रहे हो, मतलब यहाँ से देखो बहुत ही बुरी हालत है. मतलब इतनी बुरी क्या कहे. चलो फिर चलते हैं. पार्कू रोड के यहाँ पर एंड यहाँ से सामने ही है, यहाँ पर सामने ही है सर्विसेज सेंटर. सो चलो, यहाँ पर बहुत सारे मतलब कंपनियों की गाड़ियों के सर्विस सेंटर यहाँ पर है. मतलब इस सिटी के इस रोड पे ही ज़्यादा राइट पर आ गया हमारा शोरूम. लाइन देख रहे हो, कमाल की लाइन है यहाँ पर. कितने सारे रॉयल एनफील्ड फैमिली के लोग, अच्छा लगता है देख के. গোপাল দা ক্লিন করো, ক্লিন করবো. কতক্ষণ লাইন আছে? বিকেল আইন চারটা দিয়ে না, বিকেল আসবো দিয়ে না, সবচেয়ে ভালো হয় চারটা দিয়ে. এলে রানিং কাজ দিলে চারটা দিয়ে সবচেয়ে ভালো, তখন ফাঁকা দিয়ে ঘুরবো খুলে দিন. ঠিক আছে, অসুবিধা নাই, তাহলে আমি চারটার দিকে আসি. तो गोपाल दा ने मुझे कहा 4 बजे को आने के, क्योंकि अभी तो देख रहे हो कितने भीड़ है यहाँ पर. तो खामा खा सिर्फ वॉश करने के लिए इतने देर रुकने का तो कोई मतलब नहीं बनता. सो अभी जो मार्केट से जो सारी सामान मुझे लेना है वहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर हम बाद में आएंगे 4 बजे को. यहाँ से हम लोगों को राइट टर्न लेके एकदम मार्केट के अंदर जाना है, जहाँ से मुझे मम्मी ने मुझे आचार लेने को भेजा है. तो आचार लेना है मेरे को. यहाँ पर एक अच्छी शॉप है जहाँ से आचार अच्छी मिलती है. और ट्रैफिक सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बाइक कहाँ रखूँ, इतनी जैम है यहाँ पर. मतलब यहाँ पर रख देता हूँ और सामान लेके फिर
उठा के बाइक लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रोका ना मुश्किल आ जाएगी। तो यहाँ पर सामने जो दुकान दिख रहा है ना आप लोगों को, वहाँ पर जाना है हम लोगों को आचार लेने, मिक्स फ्रूट वाला। आचार हो बे मिक्स फ्रूट आचार, हाँ सबगुलो दियो तो। एक साइजर গাজর টাজর দেওয়া সব আছে তো, কত গো? তো লে লিও হমনে আচার, এই বাকি সামান লেনা বাকি হ্যায়। चलो फिर तो बाइक के पास चलते हैं। खतरनाक वाली जैम है यहाँ पर, मस्त होती है। अगर एक स्कूटी होती ना तो कहीं से भी निकल सकती, मतलब ये जो बाइक है ना ये हर एक जगह से निकालना टफ हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, हम है ना व्हील ऑफ अ साहिल, कुछ भी कर सकते हैं। इतना छोटा रोड और इतने सारे क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक ऑटो, हाँ हो सकता है। अरे बॉस इंडिकेटर तो दिखाओ। यहाँ पर रोकते हैं हम, ये सामने वाला शॉप वहां से लेके आते हैं। में बहुत ज्यादा भीड़ है, फुर्सत मिले तो हम घुस जाएंगे सामने। तो अंकल ने मुझे पीछे से चांस दे दिया सामान लेने का, तो ले लेते हैं जल्दी जल्दी फटफट करके। আচ্ছা এটাই নেই, এটা আর কাজু বাদাম দিও 100। তো হো গিয়া হম লোগো কা সামান লেনা আর যাচার কা ডিব্বা হ্যায় ইয়াহাঁ পর হি লে লেতা হুঁ তো মুঝে থোড়ি আসানি হোগি। ওকে আশিগো, হ্যাঁ ফাইনালি हो गया सारा सामान लेना। इसके अभी घर चलते हैं और 4 बजे हमको फिर से आना है बाइक वॉश करने को। सामान तो लेना हो चुका है, यहाँ से चलता हूँ सीधे घर। मार्केट में देखा कितनी भीड़ है, तो लोग मेरे कैमरे को देख के ऐसे घूर रहे हैं ना, मतलब कहीं अलग ही दुनिया से आया हूँ लग रहा है। जैसे मेरा ये जो सिटी है छोटा शहर है ना, तो लोगों को इतना मालूम नहीं है ऐसे ब्लॉक ब्लॉक के बारे में, सो उन लोगों को शायद अजीब लग रहा है। कोई नहीं, सभी तो सारे 3 बज चुके हैं
एंड मुझे 4 बजे सर्विसिंग सेंटर जाना है, कि जैसे कि उन लोगों ने मुझे कहा था कि 4 बजे से ले आओ, तो तब हम यहाँ पर फ्री होगा, तो तब हम आप लोग आपकी बाइक को धो देंगे। सो मैंने अभी तक लंच नहीं किया, तो लंच करके आते उसके बाद फटफट करके निकल जाते हैं। ओके, तो चलो फिर रूट पे मिलते हैं। एंड गाइस, फिर से हम लोग आ चुके हैं सर्विस सेंटर में। आई होप अभी मेरा बाइक वॉश हो जाए अच्छे से। सो चलिए घुसते हैं सर्विस सेंटर के पीछे। And finally, the wash is complete. मतलब राइड के बाद जो हालत हो चुकी थी ना बॉस, क्या कहूँ, अब तो चमचमाती हुई। मतलब नेक्स्ट राइड के लिए बिल्कुल रेडी है। सो चलो फिर। इसका ना साउंड सुन के मज़ा आता है अलग वाला। सो गाइस, अभी घर चलते हैं, फिर घर जाके बाकी बातें तब करते हैं। ओके, तो सीधे मिलते हैं घर पे। सो गाइस, इफ यू एंजॉय दिस शॉर्ट एंड सिंपल वाला व्लॉग एंड आज का आचार वाला व्लॉग, अगर रियली आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक मारो इस वीडियो को। एंड अगर डिसलाइक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, दोनों में मेरे चैनल का रीच बढ़ेगा। एंड शायद आप लोगों को एक ही बात बार बार कहने की ज़रूरत नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इसके दौरान मेरे वीडियोस हर बार आपकी नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है, बहुत समझदार हो आप लोग, मुझे पता है। एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ये भी मालूम है, मुझे पता है। एंड मेरे चैनल को मैं कहाँ पर राइड कर रहा हूँ, इसके सारे डिटेल्स सबसे पहले आप लोग जानना चाहते हो, तो क्या करना होता है, स्क्रीन पे दिखे हुए हैंडल बार को फॉलो करना होता है, डीएम करना होता है, इसके दौरान आप मेरे साथ राइड भी कर सकते हो, ऐसा आप लोग जानते हो, मुझे पता है। सो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी एक ब्लॉग में। तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट माय लवली फ्रेंड्स, तब तक के शावक है, बाय बाय।